जिसने इस काबिल बनाया उनका वंदन करती हूँ, जिसने इस काबिल बनाया उनका वंदन करती हूँ, और सबसे पहले हाथ जोड़ आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। जो बच्चे यहाँ पे कहा जाता है कि अगर पौधे की जड़ मजबूत हो तो फल अच्छा देता है, अगर मकान की नींव मजबूत हो तो वो टिकाऊ होता है। तो मैंने उंगली पकड़कर अपने पापा से चलना सीखा, माँ से चलना सीखा, लेकिन हाथ पकड़कर ऐ अनार और ABCD लिखना मैंने भगत सिंह स्कूल से सीखा है। जो पंडाल में बैठे हैं मेरे दादा दादियों, काका काकियों, ताऊ ताइयों, बापी बहनों भाइयों, सबसे पहला मेरी राम राम। जैसा मौका है कि शहीदी दिवस हमारे वो तीन वीर जो फांसी के फंदे को झूल गए, उनके ऊपर कुछ लाइनें मेरी कि कितनी लंबी खींच लियो या लाख छोटी कहानी से, और भारत देश आजाद होया उन वीरों की कुर्बानी से। आप मुझे अखबार टीवी रेडियो के जरिए सुनते होंगे, लेकिन मैं अपने गांव में जिस मंच पर बोलती हूँ एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। अंग्रेज बड़े दुश्मन मारे हमसे उनके मीत, और अंग्रेजा सी हार नहीं ना आजादी सी जीत, अंग्रेजा सी हार नहीं ना आजादी सी जीत। घुट घुट के बोत जी खुल के जिया सीखा थे, फौलाद बड़ी बड़ी सीने में हम घोड़े वाले दिखा थे, करके सीना चौड़ा चाले ना घबराई मौत जवानी है, भारत देश आजाद होया उन वीरा की कुर्बानी है। विलन बड़े अंग्रेज मारे करती थी उनकी बर्बादी, जान अपने की लाई बाजी जब फिल्म चली जंगे आजादी, लक्ष्मीबाई उनकी सहयोगी चाचा टोपी ने ललकार दी ललकार, लक्ष्मीबाई उसकी सहयोगी चाचा टोपी ने अंग्रेज ललकारा, एक सूट सन 57 का बड़े मंगल पांडे हीरो मारा, तलवार चली थी मन्नू की गांधी का चरखा चल लिया था, अंग्रेजा के खिलाफ उनने अपना कदम खा लिया था, वो तीन शेर हिंद के थे जिनने फांसी का फंदा चूमा था, वो तीन शेर हिंद के थे जिनने फांसी का फंदा चूमा था, अंग्रेजा की नाक में वही कर रखा उन्हें धुआं था, और उठ कर झूठ दिखाया था, जुलम मिले कई उनकी मेहमानी से, भारत देश आजाद होया उन वीरा की कुर्बानी से। रिमन नैन ई बतावेगी दो चार ये नाम सुनो, बोस भगत राजगुरु शेखर मंगल के ये काम सुनो, जननी माँ के साथ साथ वो भारत माँ की लाज थे, इतिहास गवाही देश है उनकी बहादुरी के काज थे, जीना दुपर हो गया था उनकी इस हैवानी पे, देश हमारा आजाद होया उन वीरा की कुर्बानी पे। जहाँ एक जवान का नाम आता है वहाँ ये नहीं हो सकता कि किसी किसान का नाम ना आए, एक किसान की बेटी होने के नाते उसके दुखों को महसूस करते हुए मेरी दो चार लाइनें कि किसान श्री की गाथा